शक्तिनगर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। जी हां, आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के सीमावर्ती क्षेत्र शक्तिनगर में पीडब्ल्यूडी मोड़ से कुछ दूरी पर स्थित कबाड़ दुकान के अलग अलग दो संचालकों में किसी मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों के आने से विवाद और बढ़ गया और बीच सड़क पर जमकर मारपीट हाथापाई हुई है। इस वारदात में दोनों पक्ष के कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। लॉकडाउन के दौरान बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच सैकड़ों लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। वहीं दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट हाथापाई का द्वंद चलता रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए तमाशा देखते रहे। सूचना मिलते ही मौके पर शक्तिनगर पुलिस पहुंची और बीच बचाव में जुट गई। उसके बाद भी दोनों पक्षों के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और उत्तेजित उतावले हो रहे थे। किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर झगड़ा शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए शक्तिनगर से उपेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट।